नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी के कारण होता है। जब ऐसा होता है तो शरीर में से निकलने वाले पानी की मात्रा आपके द्वारा ली गई मात्रा से अधिक होती है। शरीर से पानी निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मूत्र द्वारा, मल द्वारा या फिर पसीने के द्वारा। शरीर में पानी की कमी से थकान महसूस होती है, आप लो एनर्जी फील करते हैं। शरीर में कम पानी होने से कई और तरह की समस्याएं होती है। अपने इस वीडियो में आज हम शरीर में पानी की कमी के क्या लक्षण हैं, इसके कारण आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, शरीर में पानी की कमी से कैसे बच सकते हैं और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। डिहाइड्रेशन कैसे होता है? हमारे शरीर में 70% मात्रा पानी की होती है। हमारा शरीर सही ढंग से काम करे इसके लिए जरूरी है प्रॉपर हाइड्रेशन। इसके लिए आप नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन होने पर शरीर को बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम दिन में 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। खासकर गर्मी में होने वाली यह समस्या कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। शरीर में जब अधिक मात्रा में तरल पदार्थ खत्म हो जाता है तो उस स्थिति को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। गर्मी में शरीर से पानी की कमी के कई कारण हैं, जैसे ज्यादा पसीना आना, उल्टी, लूज मोशन, समय से भोजन न करना और इसका सबसे मुख्य कारण पानी की कम मात्रा का सेवन करना है। पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट बनी रहती है, जबकि कम पानी पीने से त्वचा की नमी उड़ जाती है और यह रूखी और बेजान हो जाती है। अगर आपकी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द रहता है तो हो सकता है आप कम मात्रा में पानी पीते हो। जल की पर्याप्त मात्रा शरीर के व्यर्थ और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। हमारे शरीर में 70% मात्रा पानी की है, इसलिए आज से हम सोच सकते हैं कि प्रॉपर हाइड्रेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन 3 प्रकार का होता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसमें सामान्य रूप से इंसान के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। मुख्यतः ज्यादातर लोगों में सोडियम की कमी हो जाती है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, ये शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाने पर होता है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जब शरीर में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, अगर ये डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस मरीज की हालत काफी गंभीर हो जाती है। गंभीरता के आधार पर डिहाइड्रेशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड डिहाइड्रेशन में शरीर में संपूर्ण तरल में से 2% की हानि होती है। मॉडरेट में शरीर के लिए आवश्यक संपूर्ण जल में से 5% की कमी हो जाती है। माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन होने पर चेहरा चिपचिपा होने और मुंह सूखने के अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इस स्थिति में नींद नहीं आती। सीवियर डिहाइड्रेशन में शरीर के कुल तरल में से 10% की कमी हो जाती है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, रक्तचाप कम होना, धड़कन तेज हो जाना, तेज बुखार हो जाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बच्चों में इसकी वजह से घबराहट होने और बहुत ज्यादा नींद आने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इन लक्षणों को देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पानी की कमी से हो सकती है ये परेशानियाँ। पानी की कमी से कई समस्याएं जैसे चर्बी बढ़ना, पेट खराब होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, अंगों का ठीक प्रकार से काम न करना, शरीर में विषाक्तता का बढ़ना आदि शामिल है। इतना ही नहीं, जो लोग प्रतिदिन व्यायाम करते हैं उनके लिए पानी की कमी और अधिक नुकसानदेह हो सकती है। कई बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, ब्लेडर इन्फेक्शन, पथरी इत्यादि होने पर शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कई बार लोग सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, जबकि प्यास लगे ना लगे दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीने पर डिहाइड्रेशन की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। पानी हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। गर्मी में बाहर से आकर तुरंत पानी न पिए, बल्कि थोड़ी देर रुककर सामान्य पानी पीना चाहिए। यदि आपको हार्ट बर्न या कब्ज की समस्या हो तो पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए। खाने के बीच में पानी कभी न पिए, इससे आपको खाना पचाने में मुश्किल होगी। सुबह सुबह उठकर पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय। गर्मियों में डिहाइड्रेशन एक आम समस्या है। शरीर को जिस मात्रा में पानी की जरूरत होती है उतनी मात्रा न मिल पाने पर
डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी में पसीना ज्यादा आता है जिससे शरीर का जरूरत से ज्यादा पानी निकल जाता है। ऐसे में यदि पर्याप्त पानी न पिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। सिर्फ पानी पीने से आप न्यूट्रिशन को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इससे बचने के लिए ढेर सारा पानी पीने के साथ ही डाइट में कुछ खास फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें। आप इन सरल उपायों को अपनाकर हीट को बीट कर डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं। रोज कितना पानी पीना चाहिए? पानी को रोजाना वजन के हिसाब से पीना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि आपका वजन कितना है। इसके लिए आप 4 से 5 दिन तक अपना वेट रोज करें। इसके बाद इसका मीन निकालने के लिए जितने दिनों तक वजन किया है वो ऐड कर ले, फिर उसको दिनों से डिवाइड कर दे, वो आपका एक्चुअल वेट होगा। अब बात की वजन के हिसाब से कितना पानी पिए। यदि आपका वजन 75 किलोग्राम है तो उसको 30 से डिवाइड कर ले, 75/30 यानी 2.5 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। गर्मियों में पसीने के कारण बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बच सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। हालांकि शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता ऊंचाई, वजन, शारीरिक गतिविधि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। याद रखिए, कोल्ड ड्रिंक और पैक जूस न पिए। यदि सादा पानी नहीं पी पाते तो पानी में नींबू मिला ले या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर मिला ले। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जिन्हें अंग्रेजी में सिट्रस फ्रूट के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध रूटेसी परिवार से है। नींबू, संतरा, ग्रेपफ्रूट, मौसमी आदि जैसे फल इस श्रेणी में शामिल है। आप संतरे के जूस का अधिक सेवन करें। संतरे में विटामिन सी, फाइबर और अन्य कई न्यूट्रिशन होने के कारण यह डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए एक असरदार घरेलू उपचार माना गया है। नींबू पानी में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखकर हमें सेहतमंद और दुरुस्त बनाए रखता है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में हुई पानी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। ये कई सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी के अलावा ये डाइटरी फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम, कॉपर आदि से भी समृद्ध होते हैं। साथ ही इनमें फ्लेवोनोइड, एल्कलाइड, फिनोल एसिड और एसेंशियल ऑयल भी पाए जाते हैं। खट्टे फल में पाए जाने वाला विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्य प्रणाली को बेहतर करने में मदद करता है। ये इम्यून सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा होते हैं और शरीर को कई तरह के संक्रमण और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड एक तरह का विटामिन ए है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तरबूज, तरबूज में 90 से 95% पानी होता है, इसलिए गर्मियों में डेली तरबूज खाए। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन भी होता है जो सूर्य की किरणों और गर्मी से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाता है। इसके अलावा तरबूज में पोटेशियम, विटामिन ए और फाइबर भी होता है। डाइटिंग करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। तरबूज खाने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा कम आता है। असल में तरबूज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये दिमाग को शांत रखता है। तरबूज के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही खून की कमी होने पर इसका जूस फायदेमंद साबित होता है। तरबूज में बहुत कम कैलोरी होती है, ये लंबे समय तक पेट को भरा हुआ फील कराते हैं। 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरी होती है। इसमें करीब 1 मिलीग्राम सोडियम, कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम, फाइबर 0.4 ग्राम, शुगर 6 ग्राम, विटामिन ए 11%, विटामिन सी 13%, प्रोटीन 0.6 ग्राम पाया जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दरअसल तरबूज में पानी, शुगर और फाइबर काफी मात्रा में होते हैं। आंतों में बैक्टीरिया को पनपने के लिए पानी और शुगर की ही जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपने तरबूज खाकर पानी पी लिया तो आंतों में बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नारियल पानी, नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा भी इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ठंडा रखते हैं। नारियल पानी त्वचा और बाल को भी हेल्दी बनाते हैं। एक नारियल में लगभग 200 से 250 मिलीलीटर पानी होता है। नारियल पानी में कम कैलोरी होने की वजह से ये वजन घटाने में भी आपकी मदद करता है। इस पानी में पोटेशियम, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम के अलावा प्रोटीन और फाइबर भी होता है। नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। नारियल पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और मोटापा कम होता है।
नारियल पानी प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। नारियल पानी किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन सुबह के वक्त खाली पेट नारियल पानी पीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिशों में जुटे हैं तो खाना खाने से पहले नारियल पानी का सेवन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। खीरा, गर्मियों में सलाद की मात्रा बढ़ा दे, खास तौर पर खीरा हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और फाइबर पाए जाते हैं, साथ ही इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। विदेशों में खीरे को सुपर फूड की उपाधि मिली है। शरीर की भीतरी शुद्धि हो या बाहरी ठंडक, खीरा हर तरह से लाजवाब है। खीरे में विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और सबसे महत्वपूर्ण सिलिका जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें 95% पानी होता है। ऐसे में इसे खाने के बाद पानी पीने से आप इन आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित रह सकते हैं। एक कप कटे हुए खीरे में मात्र 14 कैलोरी होती है। ये हमारी जरूरत का 1% है। यही नहीं, खीरे में 0% फैट होता है। रात के बजाय खीरे का सेवन दिन के समय ही करें। खीरा खाने के फौरन बाद कभी पानी ना पिए, क्योंकि खीरे में पहले से ही भरपूर मात्रा में पानी होता है। खीरा खाने के बाद पानी पीने से खीरे से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं और इससे शरीर को अधिक लाभ नहीं पहुंचता। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, साथ ही पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैरोटीनॉइड नामक तत्व पाया जाता है जो गर्मी से त्वचा की रक्षा करता है। भिंडी में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। लौकी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। गर्मियों में ये सब्जियां हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखती है, साथ ही गर्मी के हानिकारक प्रभाव से भी ये हमें बचाती है। पालक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो पर्यावरण से होने वाले नुकसान से हमारी कोशिकाओं को बचाता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो विटामिन ए का मुख्य सोर्स है। विटामिन ए इम्यून फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी होता है। ब्रोकली और पालक को ज्यादा ना पकाए, इन दोनों को हल्का बॉयल करके ही खाना सबसे बेहतर होता है। दही, गर्मी में दही खाने से न सिर्फ डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है बल्कि ये हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक रखती है। छाछ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खाने के बाद एक गिलास छाछ पीने से खाना अच्छी तरह से पच जाता है। इसका सेवन पेट में होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। साथ ही जिन लोगों को भूख कम लगती है यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। दही और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हर रोज दही खाने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही को न सिर्फ रात में बल्कि बसंत में भी नहीं खाना चाहिए। दही को खाने का सबसे उत्तम समय सुबह का है। सुबह नाश्ते में एक कटोरी दही में शक्कर मिलाकर खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। आम पन्ना, आम पन्ना यानी कच्चे आमों और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें स्वादानुसार काला नमक, जीरा आदि मिलाया जाता है। डिहाइड्रेशन और धूप के हानिकारक असर से बचने के लिए आम पन्ना एक बेहतरीन नुस्खा है। दिन भर में 2 गिलास आम का पन्ना पीने से शरीर तो हाइड्रेट रहेगा ही, लू लगने की संभावना भी कम हो जाती है। यह हृदय रोगी, टीबी, एनीमिया, हैजा और बीमारियों में भी बहुत लाभदायक होता है। इसमें सोडियम, जिंक और विटामिन सी होता है जो पानी की कमी को पूरा करता है और नई रक्त कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करता है। आम पन्ना एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। रोज आम पन्ना पीने से पेट और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ ले। डिहाइड्रेशन से शरीर में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। आपके शरीर को इनकी भरपाई की जरूरत होती है। इसके लिए आपको पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे केला, अनानास, शकरकंदी, नारियल पानी, आम को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या ना करें। मूत्रवर्धक से बचे। मूत्रवर्धक वह वस्तु या खाद्य पदार्थ होते हैं जो यूरिन उत्पादन में वृद्धि करके शरीर से तरल पदार्थों का नुकसान करते हैं। कॉफी, कोला और चॉकलेट पे कुछ सामान्य मूत्रवर्धक है। मसालेदार भोजन से बचे। ज्यादा मसालेदार भोजन न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्टबर्न,
और एसिडिटी का कारण बनते हैं। साथ ही यह शरीर के आंतरिक तापमान में वृद्धि करके शरीर के तरल पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें। अत्यधिक परिश्रम से बचें। शारीरिक गतिविधि फिट रहने के लिए बेहतर है, इसमें किसी को संदेह नहीं, लेकिन गर्मियों के दौरान अत्यधिक परिश्रम आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने आप को रिहाइड्रेट रखने के लिए बीच बीच में विराम लेते रहे। धूप से बचे। ज्यादा देर तक धूप में न रहे। दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक घर के अंदर रहे। ये डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे बुद्धिमान और प्रभावी तरीका है। जब तक जरूरत न हो चिलचिलाती धूप से बचने की कोशिश करें। घर के अंदर रहकर डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। धूप में पसीना अधिक आता है और अधिक पसीना आने से आप शरीर के तरल पदार्थों को खोकर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसलिए दोपहर में अधिक तापमान होने पर आपको घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। सिगरेट और शराब को ना कहे। सिगरेट का धुआं गले की परत को सूखने का कारण बनता है, साथ ही कोशिकाओं को डिहाइड्रेट भी करता है। दूसरी ओर शराब मूत्रवर्धक होता है। ये गले और पेट के स्तर की कोशिकाओं को डिहाइड्रेट करता है। ये लीवर की कोशिकाओं को प्रभावित कर गंभीर डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनसे दूर रहना चाहिए। इन सरल उपायों का पालन कर आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में भी बताते हैं जो आपको बाहर से ही नहीं अंदर से भी ठंडक प्रदान करेंगे। इनको करने से आप पूरा दिन ठंडक महसूस करेंगे। इन्हीं में से एक है शीतली प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए ये एक बेहतरीन प्राणायाम है। दमा, जुकाम और लो बीपी से ग्रसित लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। वृक्षासन। वृक्षासन से न सिर्फ बॉडी बैलेंसिंग में मदद मिलती है बल्कि इससे दिमाग भी शांत रहता है और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी इससे बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी और आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।